सरकार का कहना है कि धक्का मार के भाग जाइएगा तो 10 साल जेल होगा। कोई चाहता है भैया कि धक्का लग जाए? एक साइकिल वाला भी नहीं चाहता है कि धक्का किसी से लगे। अच्छा एक बात बताइए कि धक्का मार के रुकिएगा अगर वहाँ पे, तो पब्लिक मारेगा कि नहीं मारेगा? भाग जाएगा तो 10 साल, ये बताइए ना, भाग जाएगा तो 10 साल का सजा, नहीं भागेगा तब पब्लिक तो मार के मुआ देगा, मार देगा, स्पोर्ट में मार देगा। आप ही सोचिएगा, अगर आपको कोई मार के भागेगा तो आप उसको छोड़ दीजिएगा? क्या लगता है कानून में बदलाव होगा? नहीं बदलाव होगा तो हड़ताल जारी रहेगा। जब तक नहीं बदलाव होगा तब तक सड़क तो वही महसूस तो यही हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में बिहार के तमाम सड़कों पर ड्राइवर फेडरेशन के लोग उतर चुके हैं। छोटे से लेकर बड़े ड्राइवर सड़कों पर उतर चुके हैं और इस कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं। कहना है कि जितना ड्राइवर कमाते नहीं है उससे ज़्यादा जुर्माना वो दे नहीं पाएंगे, और अगर उस जगह से नहीं भागते हैं तो पब्लिक मार मार के मॉब लिंचिंग का शिकार बना देगा। और इसके विरोध में आज समस्तीपुर के समाहर न्यायालय के बाहर तमाम ड्राइवर सड़क को जाम करके अपनी मांगे को रख रहे हैं। क्या कुछ मांग है, इस कानून का विरोध ये लोग क्यों कर रहे हैं, तमाम चीज जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया बबुलू कुमार। क्यों जाम किए हुए हैं सड़क को आप लोग? आप ही बताइए भैया। हम लोग टेम्पो चालक है, बाल बच्चा छोटा छोटा है, हम लोग गाड़ी चलाते शाम तक हो जाता 200 या 300 या जो भी, बाल बच्चा के लिए चावल दाल जाते लाने के लिए। सरकार को ये लागू लगाना नहीं चाहिए। अगर हम अगर मान चले सरकार पर अगर लागू लगा दे तो उसको कितना मार, सरकार का कहना है कि धक्का मार के भाग जाइएगा तो 10 साल जेल होगा। कोई चाहता है भैया कि धक्का लग जाए? एक साइकिल वाला भी नहीं चाहता है कि धक्का किसी से लगे। मतलब रोड पे एगो कुत्ता बिल्ली भी आता है तो उसको बचाने के लिए ब्रेक मार के खुद का एक्सीडेंट करवा देते हैं, लेकिन उसको नहीं मारते, नहीं मारते, कोई भी नहीं चाहता है कि धक्का लग जाए। अच्छा एक बात बताइए कि धक्का मार के रुकिएगा अगर वहाँ पे, तो पब्लिक मारेगा कि नहीं मारेगा? और कोई बड़े ट्रक से अगर स्पॉट डेथ किसी जगह पे हो जाता है तो ये चीज सभी को पता है कि अगर पब्लिक के हाथ में लोग चढ़ गए या ड्राइवर पब्लिक के हाथ पकड़ा गए तो पता नहीं चलता है कि मारने वाला उसमें से है कौन, ना ही पब्लिक पकड़ाता है और उस ड्राइवर को अपना जिंदगी से हाथ धो देना पड़ता है। मार देता है ड्राइवर को, पीटते-पीटते मार देता है। कौन जाएगा बचाने के लिए? पता भी नहीं चलता है कि कौन मारा, और पब्लिक पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होता है। वन पब्लिक पे कार्रवाई करता, मारने ही वाला जो एक होता है, एक समझिए तो मसीहा होता है, यात्री को एक दूसरे स्थान के ले जाके एक अच्छा जगह पे पहुंचा देना। कोरोना में दिख गया था कि ड्राइवर के बदौलत ही देश चल रहा था कोरोना के टाइम में। बस खुद ही सोचना चाहिए सरकार को, अब हम लोग क्या करेंगे। क्या लगता है कि सारे ड्राइवर अगर सड़कों पे उतर जाए और अपना स्टेयरिंग छोड़ दे तो देश बंद हो जाएगा? नहीं, बाल बच्चा क्या खाएंगे? आप अभी मान चले हम लोग गाड़ी रख दिए, क्या खाएंगे बाल बच्चा, क्या करके खाएंगे? कोई समस्तीपुर में है रोजगार कि हम लोग मजदूरी करें या कुछ भी करें? कार खुद ही सोचना चाहिए ना कि गरीब मजदूर है। हाँ, क्या कानून है, क्या आया है पूरा बताइए। कानून ये बना है कि अगर एक्सीडेंट करके ड्राइवर भागा तो उसको 5 लाख रुपया, 7 लाख और 7 साल का सजा होगा। 10 साल का सजा नहीं, 7 साल अभी तो बोला, 7 साल अगर वैसा कर देता है तो ड्राइवर कहाँ से भरेगा? भाग जाएगा तो 10 साल, ये बताइए ना, भाग जाएगा तो 10 साल का सजा, नहीं भागेगा तब पब्लिक तो मार के मुआ देगा, मार देगा, स्पोर्ट में मार देगा। आप ही सोचिएगा, अगर आपको कोई मार के भागेगा तो आप उसको छोड़ दीजिएगा? यहाँ पर पब्लिक पकड़ के पहले उसको मारेगा। तो क्या चाहते हैं, नियम में कैसा बदलाव? अगर नियम नहीं हटाना है तो सरकारी नौकरी दे दीजिए ड्राइवर को, 50,000 का महीना बांध दीजिए उसको, 50,000 का महीना मिलेगा। सबको रोजगार दे दे, सबको रोजगार दे दे, उसमें बाल बच्चा चलेगा। अच्छा आप लोग कौन चीज के ड्राइवर हैं? सब है, कोई टोटो का है, कोई ऑटो का है, छोटा से लेके बड़ा हर ड्राइवर सड़क, इसमें बाइक ड्राइवर भी है, बाइक जो बाइक चलाने वाला, नियम तो सबके लिए है, तो सबको यहाँ पर सहयोग करना चाहिए और करे। मतलब 20 चक्का गाड़ी से लेके 3 चक्का के लिए वही नियम, 2 चक्का के लिए भी है, सिर्फ साइकिल कर रही है, साइकिल रिक्शा वाले के लिए नहीं है। क्या लगता है कानून में बदलाव होगा? नहीं बदलाव होगा तो हड़ताल जारी रहेगा। जब तक नहीं बदलाव होगा तब तक सड़क वही महसूस तो यही हो रहा है। और हम कहेंगे कि जो भाई है यहाँ पर मदद करे ड्राइवर का, ऑनर भी करे, ऑनर को भी सपोर्ट करना है ड्राइवर का। अभी 2 दिन से स्टेयरिंग सब आदमी छोड़ दिए हैं, असर पड़ा है क्या? नहीं, बहुत असर पड़ा है, पड़ा है बहुत, ट्रांसपोर्टेशन पूरा रुक गया, पूरा बंद है। और देख लीजिए कि अगर ड्राइवर जो देश का नस कहा जाता है ना, वो अगर सड़क पे उतर गया तो कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंचेगा। और कोरोना काल में दिख गया था कि ड्राइवर की कितनी अहम भूमिका होती है हमारे देश में। बाकी इस कानून के बारे में आप तमाम लोगों का क्या सोचना है, इसमें किस तरह का संशोधन किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। जय हिंद।